हेलो एंटरटेनमेंट जंगीज, एनिमे देखने का क्रेज तो सबको है, लेकिन कभी कभी इतने सारे ऑप्शन में बेस्ट चूज करना मुश्किल हो जाता है, राइट? अगर आपको भी कंफ्यूजन हो रही है कि कौन से शोज बिंज वॉच करें, तो आपकी कंफ्यूजन मिटाने आई हूँ मैं आज विद 5 मस्ट वॉच एनिमे सीरीज लेके। तो चलो शुरू करते हैं। और नंबर 1 वी हैव नारुतो। नारुतो एक छोटे से गांव का लड़का है जो निंजा बनने का सपना देखता है। उसके अंदर एक पावरफुल डीमन फॉक्स 9 टेल सील किया गया है, जिसकी वजह से विलेज के लोग उससे दूरी बनाते हैं। उसका एम है होकागे बनना, जो गांव का सबसे बड़ा लीडर होता है। कहानी में दोस्ती, डिटर्मिनेशन और अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानने का मैसेज है, विथ लॉट्स ऑफ एक्शन पैक्ड निंजा बैटल्स। और नंबर 2 वी हैव डेथ नोट। ये एक माइंड ब्लोइंग एनिमे है जिसमें लाइट यागुमी को एक मिस्टीरियस नोटबुक मिलती है जिसका नाम है डेथ नोट। इस नोटबुक में जिस इंसान का नाम लिखो वो मर जाता है। लाइट इस पावर को यूज करके क्रिमिनल्स को ख़त्म करके एक प्योर वर्ल्ड बनाना चाहता है, लेकिन एक जीनियस डिटेक्टिव एल उसका पीछा करता है और ये एक इंटेंस कैट एंड माउस गेम बन जाता है, जहाँ दोनों की स्मार्ट स्ट्रैटेजीज और माइंड गेम्स चलते रहते हैं। और नंबर 3 वी हैव डीमन स्लेयर। इस कहानी में तांजीरो की दुनिया उस दिन बदल जाती है जब एक डीमन उसकी पूरे फैमिली को ख़त्म कर देता है और उसकी छोटी बहन नज़ू को खुद डीमन बन जाती है। लेकिन नज़ू को अब भी अपने भाई को पहचानती है, इसलिए तांजीरो डिसाइड करता है डीमन स्लेयर बनने का, ताकि वो डीमन से लड़ सके और अपनी बहन को वापस इंसान बना सके। तांजीरो अपने इस सफर में नए दोस्त बनाता है और खतरनाक डीमन से लड़ता है। और नंबर 4 वी हैव ब्लू लॉक। जापान का फुटबॉल फेडरेशन एक यूनिक प्लान बनाता है ताकि वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर पैदा कर सके। इसलिए वो 300 टैलेंटेड यंग स्ट्राइकर्स को एक फैसिलिटी में लॉक करते हैं जिसका नाम है ब्लू लॉक। यहाँ पर हर प्लेयर का गोल है सबसे आगे निकलना, क्योंकि जो हारेगा उसका फुटबॉल करियर ख़त्म हो जाएगा। ईसागी योची एक टैलेंटेड प्लेयर अपनी स्ट्रैटेजी और विल पावर से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। यहाँ सिर्फ टैलेंट नहीं, सेल्फ सेंटर्डनेस और अपने गोल तक पहुँचने की लड़ाई है। और नंबर 5 वी हैव जुजुत्सु काइसन। इस कहानी में है यूजी इटाडोरी, जिसकी लाइफ चेंज हो जाती है जब वो एक्सीडेंटली एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट खा लेता है और उसके अंदर एक पावरफुल कर्स एक्टिवेट हो जाता है। अब वो अपने ग्रुप जुजुत्सु सॉर्सरर्स के साथ मिलकर कर्स स्पिरिट से लड़ता है, जो दुनिया को नुकसान पहुंचाना चाहती है। इस सफ़र में यूजी को सिर्फ अपनी पावर्स का इस्तेमाल सीखना पड़ता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर बड़े बड़े डेंजर्स का सामना करना पड़ता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इन सब में से आपकी फेवरेट एनिमे सीरीज़ कौन सी है। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए फॉलो करते रहे DNA।